नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, लिहाजा श्रीकांत शर्मा के नाम को लेकर न सिर्फ चर्चा होती रही बल्कि सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच पार्टी ने अध्यक्ष पद का नाम को लेकर औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। आपको बता दें कि बीते दिन यूपी में ये चर्चा जोरों पर थी कि पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली है। इसके बाद से लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई भी देना शुरू किया। खास बात यह रही कि सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों में विधायक और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि शाम तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन श्रीकांत शर्मा के नाम की चर्चा आज सोमवार को भी जारी है। वहीं श्रीकांत शर्मा के समर्थकों का कहना है कि घोषणा से पहले सोशल मीडिया पर इस जानकारी को लीक करना ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। इस बात की जानकारी आने के बाद योगी मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों के नामों पर चर्चा होने लगी है। इसमें श्रीकांत शर्मा और डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम रेस में आने चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर ब्राह्मण की बात चल रही है तो ऐसे कई इसमें ब्राह्मण मंत्री भी हो सकते हैं। इसी के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव का नाम भी इसमें कहीं जुड़ा है कि नहीं। इसके बाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में पहले सांसद ओबीसी केशव मौर्य को पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। यूपी में पार्टी के सत्ता में वापसी करने के बाद केशव मौर्य को इसका पुरस्कार मिला, लिहाजा उन्हें यूपी में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव आया, ब्राह्मण चेहरे और केंद्र में मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी को फिर बड़ी सफलता मिली। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दाव लगाया और योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को इस सरकार से इस्तीफा दिलाकर प्रदेश टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी मिलना ही चर्चे में है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।